नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंट्रोल। मोदी सरकार के खिलाफ जारी रहेगा किसानों का आंदोलन, किसान मोर्चा के नेता सिरसा ने कहा। छिंदवाड़ा आए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी, क्षेत्रीय किसानों से जोड़ने का आह्वान। पिछले एक साल से दिल्ली बॉर्डर में किसान आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह सिरसा ने छिंदवाड़ा पहुंचकर कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, पूरे देश के किसान कृषि कानून को वापस लेने पर ही मानेंगे। उन्होंने स्थानीय स्तर पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार के साथ किसानों की 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों के केवल संशोधन पर अड़ने की वजह से यह सफल नहीं हो सकी। किसान पूरी तरह कृषि कानूनों को वापस लेने के पक्ष में है। इसके बिना कॉर्पोरेट घराने पूरी तरह कृषि को अपने कब्जे में ले लेंगे और इसका असर खाद्य पदार्थों की महंगाई के रूप में सामने आएगा। छिंदवाड़ा में अपनी गांवों की यात्रा का उल्लेख करते हुए सिरसा ने कहा कि यहां के किसान मक्का के समर्थन मूल्य के अभाव में फसल अत्यंत कम बाजार मूल्य पर बेचने पर मजबूर हैं, जबकि सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1870 रुपए प्रति क्विंटल उन्हें नहीं मिल पा रहा है। राजसत्ता उन्हें यह मूल्य दिलाने में विफल रही है। किसान आंदोलन का उद्देश्य इसी से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले यह आंदोलन पंजाब और हरियाणा पर केंद्रित था, लेकिन किसानों के मिल रहे समर्थन से यह अब देश की सीमाओं से निकलकर विश्वव्यापी हो गया है। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा की किसान संघर्ष समिति और किसानों ने उन्हें भरपूर मदद का भरोसा दिलाया है। इसके लिए वे देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस अवसर पर किसान संघर्ष समिति की नेत्री आराधना भार्गव, गगन चौधरी समेत अन्य किसान उपस्थित हुए। पंचायती राज न्यूज चौराई से राजेश उएके की रिपोर्ट। मैं आज आपके शहर सिंधवाड़ा मध्य प्रदेश में दो दिन से यहाँ पर मतलब क्या और काफ़ी नुक्कड़ मीटिंगें की है, गांव में जाके हैं, कई गांव में जाने का मौका मिला और लोगों से बातचीत भी। हमारा जो आने का लक्ष्य था वो ये था कि जिन लोगों को